ठीक है, और हमारे साथ है मेहरीन नरगिस, जो कि बहुत ही मजेदार एक डाइट प्लान हमारे लिए लेके आई है, जिसका है ब्राइडल डाइट प्लान। बिल्कुल, ब्राइड्स के लिए, ग्रूम के लिए, क्योंकि सीजन है आजकल, छोटी से स्टार्ट होके बड़ी तक, उसके बाद तक आजकल जितने भी हैं वो शादी का सीजन है। तो मैंने कहा आज हम एक ऐसा डाइट प्लान करते हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन को लेके, महीना दो महीने पहले से केयर शुरू हो जाती है, डॉक्टर के चक्कर शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी डाइट होनी चाहिए जो ब्राइड्स को और आम रूटीन में भी लड़कियों को जो सूट कर जाए, क्या फ्रूट्स हो, वो हम डिस्कस करेंगे। नहीं, बहुत अच्छे। मैं कहती हूँ दुनिया में शादी से बेहतर मोटिवेशन और कोई है ही नहीं वेट लूज करने के लिए। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों को देखा है जो पूरी जिंदगी एक ही वेट था उनका, और जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ उससे कुछ महीने बाद तक आप सरप्राइज हो जाते हो कैसे। तो वो जो मोटिवेशन होती है ना कि दुल्हन बन के जो ड्रेस में फिट होना है। शादी सीजन में सिर्फ दुल्हन नहीं, दुल्हन की माँ भी, दुल्हन की बहनें भी, दुल्हन की कजन्स भी, सभी इन्वॉल्व हुए हुए होते हैं कि कुछ ऐसी चीज हो कि सभी स्मार्ट भी हो जाए और शादी भी बहुत अच्छे तरीके से जो हो जाए। सभी के लिए मोटिवेशन है कोई फंक्शन हो फैमिली में, इसके साथ कोई फ्रूट भी होना चाहिए, कुछ और भी होना चाहिए। बेसिकली हम वही वाली चीज, एक बहुत मशहूर सी कहावत है कि यू आर व्हाट यू ईट, और हमेशा हम ये चीज कहते हैं कि जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं। क्योंकि आपकी जो स्किन सेल्स हैं वो आपके डीजेनरेट होके और न्यू साथ साथ बनते रहते हैं, तो वो कहाँ से बनते हैं? वो कोई हवा पानी से तो नहीं, वो आप जो खुराक लेते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, वहीं से आपके हेल्दी स्किन सेल्स बनते हैं। तो आपका जो एनवायरमेंट है, जैसे पोल्यूशन से बचना, फिर अपनी प्रोडक्ट्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना, और फिर आपकी डाइट, अपनी स्लीप, जैसे डॉक्टर साइमा से भी बात हो रही थी कि जो हमारा एक खुश रहने का जो हमारा अमल है वो हमारे निजाम हजम को भी अच्छा करता है। हम डीप स्लीप करते हैं, अच्छे से सोते हैं, हमें खाने को भी दिल करता है, फिर जो हम खाते हैं हमारी बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करती है, प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करती है, और अल्टीमेटली ये तमाम जो छोटी छोटी हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं, ये एंड रिजल्ट में हमारी एक हेल्थ की सूरत में निकलती है। फिर चाहे वो हेल्थ हमारी बालों की हेल्थ हो, हमारी आंखों की हेल्थ हो, हमारी स्किन की हेल्थ हो। तो वाटर इनटेक, जो सिक्स हमारे बुनियादी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फिर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और पानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी स्किन के लिए है, क्योंकि इसको हाइड्रेट रखने के लिए, वो है वाटर। आप खुद नोटिस करें कि अगर आप एक लंबे अरसे तक पानी का सही इस्तेमाल नहीं करते तो खुद आपको अपना आप एक बहुत ही डल सा लगना शुरू हो जाएगा, वो एक नेचुरल ग्लो आपकी स्किन से चला जाएगा। आजकल के सीजन में 2 से 3 लीटर पानी मस्ट 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 हर बंदा जो है, मतलब कि 10 to 16 तकरीबन आप इसको रखें, 10 to 16 आप जो है पानी की अपनी रिक्वायरमेंट रखें, क्योंकि ये आपके लिए, मतलब आजकल के जो सीजन है उसमें रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी हो रही है, स्वेटिंग हो रही होती है। फिर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो जैसे हकीम साहब ने भी कहा कि होल व्हीट का यूज करें, जो रिफाइंड हमारे पास होते हैं, जैसे रिफाइंड शीरमाल हो गया, सफेद डबल रोटी हो गई, और जितने भी रिफाइंड आटा है उसको अवॉइड करके, खास चोकर के आटा या जौ का, आप इन चीजों का इस्तेमाल करें जो हो कार्बोहाइड्रेट्स हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो। फैट्स को बहुत ज्यादा अवॉइड करना है, इसमें आपने जो है ज्यादातर तली हुई चीजें, फ्राइड चीजें, बेकरी आइटम्स आपने नहीं लेने, और गुड फैट्स लेने, जैसे ओमेगा 3 ओमेगा 6, जो फिश ऑयल्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा जो प्लांट ऑयल्स होते हैं उसको रूटीन में यूज करें, एज कम्पेयर टू जो हम घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन्स पे अगर हम बात करते हैं, तो गुड प्रोटीन्स में हमारे पास चिकन भी आ जाती है, इससे अच्छी फिश हो जाती है, फिर जैसे योगर्ट की बात है, योगर्ट, स्किम मिल्क, ये तमाम, सॉरी, वो साथ साथ जो हम अब दूसरी स्मूदी भी बन, जी मैंने कंटिन्यू कीजिए, प्रोटीन्स की बात। बिल्कुल, प्रोटीन्स में जैसे योगर्ट की जो है बात हुई, गुड प्रोटीन्स में हमारे पास स्किम योगर्ट भी आ जाता है, स्किम मिल्क भी आ जाता है, इसके अलावा जो नट्स हैं, बादाम, अखरोट, ये तमाम चीजें बहुत बेहतरीन है स्किन केयर के लिए, क्योंकि हमें जिंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिंक हो गया, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, ए, ये तमाम वो विटामिन्स हैं जो कि हमें नट्स में काफी वाफर मिकदार में मिल जाते हैं। और फिर जितनी भी सैलड्स हैं, तमाम तरह की सब्जियां रिच इन मिनरल्स हैं, तमाम तरह के फ्रूट्स रिच इन विटामिन्स हैं, तो ये तो समझिए खजाना है फ्रूट्स और सब्जियों का। एक आम बंदे को मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि दिन में एटलीस्ट 2 दफा सैलड्स जरूर खाएं, एक दोपहर खाने के साथ, एक रात खाने के साथ, और दिन में 3 से 4 दफा फ्रूट्स आप जरूर लें। इसी तरीके से कभी स्मूदी बना ली, कभी मिल्क शेक बना लिया, कभी जूसेस बना लिए, तो दिन में 3 से 4 दफा आप फ्रूट्स लें, और आप खुद देखें कि आपकी प्रॉपर सोने से, एक खुश रहने से, अपना पानी ज्यादा पीने से, डाइट केयर करने से, फिर आप उसके ऊपर, यानी कि हम इंटरनल जैसे
हर्ब्स होती हैं या डाइट होती है आपको इंटरनली फ्रेश करती है। ऊपर से आप जो प्रोसीजर से अप्लाई करते हैं, आप चाहे पार्लर जाते हैं या आप ऊपर से जो भी आप कोई कॉस्मेटिक्स लेते हैं, वो आपको एक्सटर्नली एक फॉर द टाइम बीइंग आपको ठीक कर देते हैं और वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपकी वो कहते हैं कि ब्यूटी इज स्किन डीप ना, तो आपकी जो एक इंटरनली जब आपकी सेहत अच्छी होती है तो आपको ऑटोमेटिकली वो ग्लो वो डबल ट्रिपल हो जाता है, ट्रिपल हो तो रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। आपको कॉम्प्लेक्सेस में डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, डाइट प्लान फॉर ब्राइड्स को बर्डीज पड़ रही थी ब्राइड्स, ठीक है बिल्कुल सुंदर। अच्छे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि आज हम एक डाइट प्लान ऐसा करेंगे जो ब्राइड्स, अच्छा ये ब्राइड्स नहीं, आजकल तो मैं देखती हूँ दूल्हे भी बहुत ज्यादा जिनकी शादी जिनकी टाइम आ गया शादियों का टाइम, क्योंकि वो महीना दो महीने पहले से ही हो रहे होते हैं कि जी अभी क्या चीज ली जाए, तो दूल्हे बिल्कुल खफा ना हो, वो भी इस प्लान को कर सकते हैं। बस बताई हुई चीजों की मिकदार उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा देनी है, बाकी जो आइटम्स हैं डाइट प्लान के वो जो है इसमें यही होंगे। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट में जो है इस प्लान में मैंने कोशिश की है कि योगर्ट, दूध, नट्स, फ्रूट्स, सैलड्स वगैरह और इसके अलावा गुड प्रोटीन्स हम जो है ज्यादा लें। कोई ऐसा आइटम नहीं है खाने का जो इसमें ना हो, सिर्फ ये है कि जो फास्ट फूड की चीजें होती हैं, तली हुई चीजें होती हैं, वो यहाँ पर टोटली उन्होंने अवॉइड करनी है। और अपना जो प्री ब्राइडल जो आपका फेज है उसकी डाइट का स्टार्ट महीना दो महीना पहले से कर लें, तो जिनकी बड़ी ईद के बाद शादी है वो अभी से अपनी डाइट ये लेनी शुरू कर दें। सुबह ब्रेकफास्ट में क्या करना है, आपने टी या फिर मिल्क दोनों में से एक चीज आपने लेनी, क्योंकि गर्मी है अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हम चाय नहीं पसंद करते, दूध या टी या फिर कोई जूस हो सकता है वन कप आपने ले लिया। इसके साथ में आपने क्या किया कि आपने वन सर्विंग ऑफ एग बॉइल्ड कर लें, या जैसे हकीम साहब ने कहा था कि ऑमलेट ले लें वो भी आप ले सकते हैं, बट वन एग इज एनफ। या फिर आप वन कप सीरियल ले सकते हैं, सीरियल गंदम का भी हो सकता है, जैसे हम दलिया बनाते हैं गंदम का या जौ का दलिया, दोनों हो सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह कुछ लोग पसंद करते हैं स्किम मिल्क के साथ में, चीनी के बगैर आपने कॉर्नफ्लेक्स भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ जो तीसरी चीज आपने वन सर्विंग फ्रूट की जरूर उठानी है, ठीक है, कोई सा भी सीजनल फ्रूट जो आपको पसंद है वो आपने लेनी है, लेकिन छिलके समेत। जब आप छिलका उतार लेते हैं तो आप आधी न्यूट्रिशन उसकी जाया कर देते हैं, तो इतने आप एक्सपेंसिव फ्रूट्स लेते हैं और उसका छिलका जब फेंक दिया तो फायदा पीछे, आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करें। अच्छा जी, मिडनून स्नैक्स में जैसा कि आज हमारे शेफ ने भी बनाई है चेरी, बिल्कुल हमें सिखा भी दी है उन्होंने, चेरी एंड पाइनएप्पल स्मूदी जो है वो आज हमने बनाई थी। इसमें आज चेरीज भी इजीली अवेलेबल हैं, पाइनएप्पल्स भी हैं, योगर्ट आप ऐड करें, स्मूदी बनाएं, वन ग्लास आप जो है मिडनून स्नैक्स पे तकरीबन नाश्ते के दो घंटे के बाद या टू तकरीबन दो ढाई घंटे के बाद आप मिडनून स्नैक्स यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब लंच हो गया तकरीबन एक से दो बजे, डाइट प्लान में सुंदर तीन चीजें मैं हमेशा अपने क्लाइंट को भी कहती हूँ, तीन चीजें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्या खाया है, कितनी मिकदार में खाया है और कब खाया है। अब अगर आपने इन तीन चीजों में से एक चीज को भी मिस कर दिया तो उसमें डाइट प्लान की खूबसूरती खत्म हो जाती है। चपाती आपने लेनी है वन, लेकिन चोकर के आटे की रिफाइंड आटा आपने अवॉइड करना है। 100 ग्राम्स यानी कि तकरीबन एक से डेढ़ पीस जो है आप इसमें ले सकते हैं, व्हाइट मीट का, चिकन भी हो सकती है, फिश भी हो सकती है, किसी भी ऐसे तरीके से आपने बनानी है जिसमें ऑयल नहीं होता, बारबेक्यू, स्टीम, ग्रिल, बेक किया हुआ, हल्का सा चाइनीज स्टाइल में बनाया हुआ, लेकिन ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करना है। कीमा भी ले सकते हैं, इसके साथ में वेजिटेबल्स लेनी है, बेशक भुजिया बना लें, बेशक स्टीम कर लें, बेशक सूप बना लें, लेकिन सब्जी की वन सर्विंग इन्होंने लंच में जरूर लेनी है। फिर इसके साथ में फ्रूट इन्होंने लेना है वन, कोई सा भी एक, और योगर्ट इन्होंने लेना है हाफ कप। अच्छा जी, ये बेहतर है कि स्किम हो, क्योंकि अक्सर फीमेल वो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं वेट भी कम हो जाए, हाँ। शादी के उसमें वो कहते हैं कि खाना इतना सारा खाया तो वेट कैसे कम होगा, बाल अच्छे हो जाए, बाल अच्छे हो जाए, तो खुराक सही करो, खाओ सही, लेकिन ये है कि सही चीज है, हेल्दी ईटिंग करो। तो ये तमाम चीज, योगर्ट है तो इसमें स्किम योगर्ट कर दो, फ्रूट है तो आप मैंगो बनाना को अवॉइड कर दो, मीट है तो उसको स्टीम बना लो, ऑयली अवॉइड करो। माशाल्लाह बहुत सारी दोस्त हैं जिनकी अगले साल शादी है और जल्दी जल्दी, तो ये जो है ना मैंने उनको सबको डाइट प्लान ये फौरन से पकड़ा देने की, आप तो ये फॉलो करना शुरू कर। अच्छा जी, टी टाइम में ये भी आज हमने प्लम स्मूदी जो है वन ग्लास जो है बनाई है हमारे शेफ ने, तो ये प्लम स्मूदी आपने वन ग्लास यहाँ पे ले ली है। इसके साथ फिर आपने डिनर पे क्या किया कि बॉइल्ड राइस जो है वो हमने उठा लिया। अच्छा, राइस में लास्ट में मैंने कहा था नाश्ते को अवॉइड करना, दम किए हुए जो चावल होते हैं कोशिश करें ऐसी रेसिपीज बनाएं जैसे चाइनीज राइस हो गए, जिसमें आप चावल को पहले छान लेते हैं और पीछे जो चावल बच जाता है फिर उससे जो आप रेसिपी बनाते हैं वो आपके लिए बेटर होती है एज कम्पेयर टू वो पुलाव जो आपने दम करके बना लिया होता है। बॉइल्ड राइस आपने लेनी है वन कप,
इसके साथ में आपने देनी है दाल, कोई सी भी माश, मसूर, मूंग, जो भी आपको पसंद है, लेकिन जैसे कि हकीम साहब ने कहा था थोड़ी पतली बनाएं, बहुत ज्यादा गाढ़ी आपने नहीं बनानी, और जो तड़का है वो बहुत हल्का सा आपने तड़का इस्तेमाल करना है। 1 कप आपने ले ली दाल, इसके साथ में आपने लिया रायता 1 कप, इसी रायते में थोड़े से खीरे, प्याज, टमाटर, जीरा वगैरह, आप नमक, काली मिर्च ऐड करें, 1 कप आप रायता ले लें, और फिर से 1 सर्विंग आपने फ्रूट की रिपीट करनी है, फ्रूट कोई सा भी आप ले सकते हैं। अच्छा, कोशिश करें कि जितनी भी दफा फ्रूट्स हैं आप मुख्तलिफ फ्रूट्स लें, क्योंकि हर फ्रूट हर चीज में रिच नहीं होता। हाँ। किसी में विटामिन सी ज्यादा है, किसी में विटामिन ए ज्यादा है, किसी में विटामिन ई ज्यादा है, तो आप मल्टीपल फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ आइटम्स ने कभी भी किसी एक फ्रूट पे ना जाएं, कभी किसी एक सलाद पे ना जाएं। अक्सर लोग कहते हैं हम सिर्फ खीरा खाते हैं, जैसे आजकल मैंगो का सीजन है, सिर्फ मैंगो ले रहे हैं या सिर्फ एप्पल्स ले रहे हैं। आप कोशिश करें कि आप अल्लाह ने जो जो चीज बनाई है तमाम चीजों का इस्तेमाल किया, आप नाशपाती भी लें, आड़ू भी लें, सेब भी लें, हर चीज आप यूज करें, तो वैरायटी ऑफ आइटम्स यूज करें ताकि आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल सके। और फिर आपने बेड टाइम पे आपने क्या करना है कि स्किम मिल्क लेना है 1 कप, और इसमें थोड़े से आपने पाउडर किए हुए नट्स पहले से बना लें अपने पास, किचन में रख लें, ताकि रोजाना बादाम निकालने की ना हो, बस दूध गर्म किया और 1-2 टीस्पून आपने जो है पाउडर किए हुए बादाम अखरोट के निकाले और 1 कप आपने बेड टाइम पे ले लिया। ठीक है, ऑयल को टोटली अवॉइड करना है, फास्ट फूड अवॉइड करना है, फ्रीजी ड्रिंक्स आपने अवॉइड करनी है, घर के बने हुए फ्रेश जूसेस बाहर ले सकते हैं, और इस सब के साथ बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी, एक्सरसाइज, वॉक, नींद, अपने आप को खुश रखें, पॉजिटिव रहें, और वॉक करने से जो है, वॉक से भी बहुत ज्यादा जो है आपकी स्किन जो है इफेक्ट होती है, क्योंकि आप फ्रेश एयर में जो आप ऑक्सीजन देते हैं तो उसके भी बहुत ज्यादा, कमरों में बंद बंद वाला सिलसिला खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और अब तो मैं पता चल गया जिन लोगों ने घर पर ट्रेडमिल्स रखी हुई थी कि आप उससे नीज पे भी इफेक्ट होता है, सो इट्स बेटर कि आप बाहर जाकर वो वॉक करें, और बहुत जबरदस्त प्लान है। थैंक यू सो मच, बड़ा एक्यूरेट प्लान है, बड़े टाइम पे हमने ये बताया, क्योंकि आगे जो है